लकम टू इंग्लिश सागा तो आज के लेसन में हम सीखें हम सीख नहीं रहे हम मैं आपको बता रही हूँ दस टॉपिक जो आप यूज़ कर सकते हैं मतलब जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन पे अगर आप डिस्कशन करेंगे बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं इन पे डिस्कशन करने से आपको पता लगेगा कि आपको कि इन, कितनी इंग्लिश आपको आ गई है और कितनी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है तो आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फ्रेंड के साथ या कोई भी आपके साथ जो इंग्लिश सीख रहा है आप उसके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं मैं भी इन दस टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी कि आप कैसे सेंटेंसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हो कैसे वर्ड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो तो हम आज इन दस टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसको आप डिस्कस कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ सबसे पहला टॉपिक है हॉबीज आप आ, इंग्लिश के सेंटेंसेस डिस्कस कर सकते हैं हॉबीज होती हैं कि आपको अपने खाली टाइम में कर क्या करना पसंद है तो ये कुछ भी हो सकता है आप ये किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो आप आ, मतलब किसी फैमिली मेम्बर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो आपसे हिंदी में भी क्वेश्चन पूछें आप उनका इंग्लिश में जवाब दे सकते हो और हॉबीज़ मतलब ये होता है बहुत ही जनरल सा टॉपिक है आप रोज़ इसके बारे में भी बात कर सकते हो आपको क्या करना पसंद है क्या नहीं पसंद है आप सामने वाले से पूछ सकते हो तो आपके पूछने के भी जो सेंटेंसेज हैं आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पता चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है म्यूज़िक गाने हम सब सुनते हैं रोज़ ही इतने गाने आते हैं आप अपने फेवरेट म्यूज़िक के बारे में भी बात कर सकते हो जो नया गाना आया है कोई आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो तो आपके पास डेली म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए कुछ ना कुछ होगा कि ये गाना नया आया है और ये इस सिंगर ने लिखा है ये इसने कंपोज किया है कि ये इसने लिखा है और ये, है, ये गाना है किस बारे में इसमें फेवरेट लाइन आपकी कौन सी है और ये सब आप डिस्कस कर सकते हो कि इसका म्यूज़िक आपको कैसा लगता है इसकी टोन आपको कैसे लगती है आपको सिंगर की आवाज़ कैसी लगती है तो ये एक डेली टॉपिक है जो पाँच मिनट का भी आप डिस्कशन कर सकते हो डेली में टॉपिक नंबर थ्री है वर्क आप अपने काम के बारे में बात कर सकते हो कि आप क्या करते हो मतलब आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी जो भी आप काम कर करते हो आपकी गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट जॉब है कुछ भी आपका अपना बिजनेस है आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आप किस चीज़ में डील करते हो क्या आपका बिजनेस है कहाँ पर है कब आपने स्टार्ट किया था अब आप कौन सी पोस्ट पे हो ये सब चीज़ें जो आप एक छोटे से डिस्कशन में अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हो नेक्स्ट और सबका फेवरेट टॉपिक है फूड आप अपने फेवरेट फूड के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो किसी को उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछ सकते हो उनको क्या खाना पसंद है वो कौन सी डिश है मतलब इंडियन है चाइनीज़ है थाई है कैसी है और इंडियन है तो साउथ इंडियन है या फिर नॉर्थ इंडियन है जैसी भी डिश है आप वो डिस्कस कर सकते हो उस डिश में क्या क्या होता है उस डिश को बनाते कैसे हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको डिस्कस करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपको कुछ नया बनाना भी आ जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप बोर भी नहीं होंगे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो डिस्कशन के लिए फिफ्थ टॉपिक है क्राइम आजकल इतना क्राइम हो रहा है आप किसी भी न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आज ये क्राइम हुआ आप आपकी क्या फीलिंग है उसके बारे में आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए गलती किसकी थी क्या आप प्रिकॉशंस खुद के लिए रख सकते हो ताकि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ये सब डिस्कस कर सकते हो बहुत बेसिक टॉपिक है आपको रोज आपको बल्कि हर पाँच मिनट में कोई टॉपिक मिल जाएगा इसके लिए डिस्कस करने के लिए तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तो ये आप डिस्कस कर सकते हो या आप डेली आप इस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन कर सकते हो बेशक आपसे कोई सामने वाला हिंदी में बोल रहा है आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में जवाब दो तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स खुद बढ़ेंगी नेक्स्ट टॉपिक है गोल्स आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं क्या प्लान्स हैं आप क्या करना चाहते हो और आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो आप उसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो उस तक पहुंचने के लिए उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना बहुत ज़रूरी होता है और कब आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर आपने कितना कर लिया है आप वो सब डिस्कस कर सकते हो एक दस मिनट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और आपको खुद भी पता चलेगा खुद का आप एनालिसिस कर पाओगे कि मैं जो चाहती हूँ उसके लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा वो कितना अब तक अचीव हुआ है नेक्स्ट टॉपिक है ड्रीम्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जिसके बारे में मुझे डिस्कस करने में तो बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है आपने रात को क्या ड्रीम देखा आप उसको सामने वाले को बताओ कि उस ड्रीम में क्या क्या हुआ आप क्या कर रहे थे आप क्या बने हुए थे और मतलब क्या था आप वैसा चाहते हो या फिर आपको कैसा फ़ील हो रहा था ड्रीम में एंड ये एक रोज़ का डेली का टॉपिक है जिस पर आप डिस्कशन कर सकते हो बहुत ही स्वीट सा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आप रिफ़्रेश भी होगे इससे आपका माइंड भी अच्छा होगा क्योंकि देखो जब आप सो रहे हो ना सुबह उठ के आप भूल गए हो कि मैंने क्या सपना देखा था अब आपको वो याद रहेगा अब आपको बताने में इंटरेस्ट आएगा तो आपको अच्छा पता एक ब्रेक मिलेगा तो आप कुछ अच्छा डिस्कस करोगे तो इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो बेशक अगर ड्रीम अच्छा भी नहीं है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो तो आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स मुझे तो बुक्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा एक अपना पूरा चैनल है बुक ट्यूब का जिसमें मैं बुक्स ही डिस्कस कर सकती हूँ जिसका सब्सक्रिप्शन बटन ऊपर होगा वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप वहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं क्या मैंने डाला हुआ है तो आप डिस्कस कर सकते हो कि आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी किस ऑथर ने वो लिखी थी कितने पेजेस की थी क्या उसका जॉनर था आपने उसमें क्या पढ़ा वो स्टोरी किस बारे में थी आपको वो क्यों अच्छी लगी आपको वो क्यों बुरी लगी आपके रिव्यूज़ उस पर क्या हैं आप उस पर बात कर सकते हो आप सामने वाले से पूछ सकते हो और बुक्स नहीं तो कुछ भी टॉपिक अगर आपके कोई सिलेबस का भी है आप उसको डिस्कस कर सकते हो जो आपको बहुत अच्छा लगा इंग्लिश या हिंदी की कोई भी स्टोरी जो आपने पढ़ी हो वो आपको अच्छी लगी हो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो एक आपको टॉपिक मिल जाएगा डिस्कशन के लिए जो बहुत बड़ी बात है अगर आप उस पर कुछ बोल सकते हो कुछ डिस्कस कर सकते हो इससे एक तो क्या होता है आपका जो डर होता है वो ख़त्म होता है दूसरी चीज़ आपको ये पता लगता है कि भाई अगर मुझे सामने से कोई टॉपिक कोई दे देगा तो क्या मैं उस पर इंस्टेंटली बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती या मुझे सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि मैं कितना इम्प्रूव कर रही हूँ अगर बुक्स आपको पढ़ना नहीं पसंद है तो आप मूवीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो मूवीज़ आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है वो साउथ की मूवी है नॉर्थ की मूवी बॉलीवुड है टॉलीवुड है हॉलीवुड है कोई कोई को, कौन सी मूवी है क्या जॉनर है कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेस है आपको उनकी एक्टिंग क्यों अच्छी लगती है उन एक्टर की और कौन सी कौन सी मूवीज़ हैं जो आपको पसंद हैं इस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में और क्या आप देखना चाहते थे तो आपके पास मूवीज़ बहुत सारी हैं जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हो और आपको डिस्कस करने के लिए रोज़ एक टॉपिक इस पे मिल जाएगा मूवी नहीं तो टीवी सीरीज़ होता है अगर आप हॉलीवुड देखते हो बॉलीवुड देखते हो तो फिर तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए क्योंकि वो तो ख़त्म ही नहीं होती तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो सबका फेवरेट है गेम्स अब गेम्स कैसे गेम्स कंप्यूटर पे भी हो सकती हैं गेम्स फ़िज़िकल गेम्स भी हो सकती हैं आउटडोर गेम इंडोर गेम जो भी आपको खेलना पसंद है अगर आपको कंप्यूटर्स पे गेम खेलना पसंद है फ़ोन में गेम खेलना पसंद है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो क्या गेम है किस बारे में है और कब से आपने खेलना स्टार्ट किया आप कहाँ तक पहुँच गए आपको वो अच्छी क्यों लगती है तो आपके पास हाँ ये एक बार बार डिस्कशन का टॉपिक नहीं है बट हाँ आपके पास एक टाइम के लिए डिस्कशन का टॉपिक है आज आप डिस्कस करोगे उसी चीज़ पे, दो दिन बाद फिर आप इसी चीज़ पे उसी गेम के बारे में डिस्कस करो आपको पता चल जाएगा कि पहले में और अब में कितना डिफरेंस है तो ये थे डस्ट टॉपिक्स जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हो कॉन्वर्सेशन कर सकते हो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी मैं भी इन सब पे एक एक वीडियो बनाऊँगी कि आप कैसे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो कैसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगी तो आई होप आपको ये समझ आया हो और आप कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में तब तक के लिए कीप लर्निंग